शुरू से अंत तक इस वीडियो को आप लोग देखिए, जिससे होगा क्या कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और इस सब टाइप का क्वेश्चन अगर आपको कोई पूछेगा तो आपको बन जाएगा, इसलिए स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ इस वीडियो को देख जाओगे तो अभी तो मैं दो चीज दिया हूँ, फिर इसमें कुछ बढ़ा भी देगा ना, प्लस माइनस इसमें कर देगा, यानी कि दो चार लाइन क्या करेगा बढ़ा भी देगा, तब भी आपको बन जाएगा। इसलिए शांति से एकदम पेशेंस के साथ धैर्यपूर्वक इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। यहाँ पे सबसे पहले मैं ये उतार दूंगा, ठीक है। अच्छा चलिए शुरू करते, शुरू करने से पहले मैं इसको इंक दूंगा इसमें, ठीक है। अच्छा से अब आएगा लिखने में मजा। इंग्लिश मीडियम से है तो आप लिख देना एलसीएम ऑफ 3 और 2। अब बोलेंगे सर 2 का है तो यहाँ पे देखिए 2 क्या है, छुपा हुआ, नहीं कुछ रहता है तो 2 छुपा रहता है, तो निकला छुपा रुस्तम। चलिए तो यहाँ पे लिख देंगे 3 और 2 का लॉस हो। हिंदी मीडियम से है तब तो आपको ये लिखना है, इंग्लिश मीडियम से है तो आप लिख देना एलसीएम ऑफ 3 और 2। अच्छा तो 6 होगा, ठीक है। अच्छा कैसे हुआ, कोई आप 6-5 के स्टूडेंट तो हो नहीं कमजोर वाले कि आपको करके दिखना ना पड़ेगा, फिर भी आप देखिए नहीं लगेगा तो गुना करते, 9th में चले गए तो 9th में जो चले गए तो कुछ तो पढ़े के गए होंगे, खास कर ये सब तो और पढ़े होंगे, नहीं अगर पढ़े होंगे तब आपका भगवान ही मालिक है, ठीक है। तो मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ, आप वापस से 5 क्लास में जाके एडमिशन कीजिए। अच्छा हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से थोड़ा सा इलेन तो समझ गए, 3 और 2 फिर मान लीजिए 7 रहेगा, जितना भी रहेगा यहाँ पे रूट में उस सबको मैं एलसीएम करूंगा, ये मेरा पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करूंगा मैं, ये इसको मैं ऐसे करके उतार लूंगा, ठीक है उतार। अब यहाँ पे देखे थोड़ा अच्छा से इसको मैं फिर एक बार उतार लूंगा, इसको मैं अच्छा से लिख देता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे 3 है ना, तो जो एलसीएम आएगा ना वो यहाँ पे देना है 6, ये 3 दे देना है, जो एलसीएम आएगा वो यहाँ पे दूंगा 6 है, ठीक है 2 है तो 2। अब हमको एक बात बताइए, यहाँ पर मैं क्या रखूंगा, इसका 2 का पावर में क्या रखूंगा कि 3 आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा 2 रखूंगा। पूछिए क्यों, क्योंकि 2 रखूंगा, इसको मैं देता हूँ, मैं यहाँ पे क्या रखूंगा 2 रखूंगा, यहाँ पे 2 रखूंगा, 2 रखूंगा तब रह गया 2 3 6। देखिए यहाँ पे 3 आया ना, कहने का मतलब है फिर से देखिए, यहाँ पे आपको दोनों का एलसीएम करेंगे ना 6, तो ये 6 आया। यहाँ पे आप कुछ ऐसा चीज रख देना, कुछ अभी नहीं कुछ भी रख देना, कुछ ऐसा चीज रखना कि इसको और इसको, ठीक है, डिवाइड करने पर क्या है 3 आ जाता, 3 में आ गया। चलिए मैं इसको और क्लियर करता हूँ, इसलिए बोले शुरू से अंत तक पेशेंस के साथ देखिए। इसको फिर मैं यहाँ पे ऐसे करके उतार दूंगा, ये 5 दूंगा, फिर यहाँ पे ये 2 लिख दूंगा, फिर बराबर दूंगा, ठीक है। देखिए दोनों का मुंह कान हमको एक जैसा करना है, मुद्दा ये है सकल सूरत एक जैसा करना है, इसका सकल सूरत अलग है, इसका सकल सूरत अलग है, तो दोनों को मैं एक जैसा करूंगा, एक जैसा है नहीं, ये अलग टाइप का, ये अलग टाइप का है, ठीक है, दोनों में जमीन आसमान करता है, तो इसको मैं दोनों को एक जैसा करूंगा, इसलिए मैं इतना पापर बेल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा यानी कितना मेहनत कर रहा हूँ। अब यहाँ पे फिर मैं इसे करके उतार दूंगा न, फिर अगर ये 2 यहाँ पे नहीं देना है, क्या देना है 6 दिए हैं, तो ये 6 दिए हैं, ये 6 मैं यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत। अच्छा फिर यहाँ पे मैं 5 दूंगा। अब मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा, मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा जिससे मेरा ये 2 आ जाए। आप गौर कीजिए 3 दूंगा, क्या दूंगा 3 दूंगा, कैसे 3 दूंगा, तो 3 यहाँ पे मैं अच्छा से लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा 3 दे दूंगा। तो आप गौर कीजिए 3 को 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 आया, 2 को 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आया। इसको मैं और थोड़ा अच्छा से क्लियर करूं तो देखिए एक रूल होता है, एक रूल होता है कि ए रहेगा, ठीक है, और एन रहेगा और एम रहेगा, तो ये लॉ क्या कहती है, लॉ यानी कि नियम, कि ए दे देंगे ये एम क्या कर देंगे ऊपर दे देंगे और ये एन को क्या कर देंगे नीचे कर देंगे। तो यहाँ वाला जो रहता है ये कहाँ जाता है ऊपर, और ये जो रहता है ये नीचे जाता है। तो सेम टू सेम अप्लाई कीजिए, देखिए 2 है यहाँ पे ए है, ऊपर में 2 है तो यहाँ पे एम है, ये वाला पे 6 है तो 6 सेम टू सेम इसका भाई लग रहा है, ठीक है। इसको मैं इस पर सेटिंग करूंगा, तो 2 है तो 2 लिखूंगा, 2 है तो 2 ऊपर में, 2 ऊपर में, 2 ऊपर में, फिर ये वाला 6 नीचा में, कोई दिक्कत। 2 1 2 2 3 6, तो ये हो गया। फिर यहाँ पे एक और लॉ होता है, ये ऐसे देते हैं,
ये जो ये नीचे वाला जो रहता है ना, नीचे वाला ये यहाँ पर दे देंगे, 2 का पावर 1 है तो ये यहाँ पर लिख देते हैं, तो ऐसे मैं इसको कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सब सवाल क्या है ना, अगर सीरियसली पूछेंगे आप हमसे तो थोड़ा सा अपडेटेड जो स्टूडेंट है ना, अच्छा खासा स्टूडेंट उसके लिए है। अब जिसको पता ही नहीं है कि ये सब रूल कहाँ से क्या आ गया नहीं आ गया, वो सब डायरेक्ट ये सवाल पे आ जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, अच्छा चलिए एक बार मैं और बताता हूँ। अगर आपको ऐसे करके कोई दे दिया 5, हाँ इस टाइप का आपको दे दिया, इस टाइप का आपको सवाल कोई दे दिया, तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, पैसेंस के साथ देखते रहिए वीडियो को। लोग दूसरा चीज तो देखता है, रिवाइंड कर कर आप समझेंगे क्या सब देखता है। ठीक है, जब पढ़ने लिखने के बारे आता है तो स्किप करेगा ऐसे करके, जैसा लगता है कौन किसके साथ, कौन वीआईपी आदमी के साथ मीटिंग में जाएगा, ऐसे करके स्किप कर करके, क्या कौन बेवकूफी वाला चीज है जो आपका लाइफ को बर्बाद कर रहा है उसको आप ऐसे करके घूर घूर कर देख रहे हो। ठीक है, जैसे आपका लाइफ बनेगा जो आपका सिलेबस में अच्छा है तो उसके जो आपका वीडियो से जो आप सीखोगे उसको आप ऐसे करके स्किप देख रहे हो, क्यों पता नहीं कौन सा जल्दी, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए तो अच्छा से देखिए, 5 है तो 5। फिर ये आप देखिए, ये ऐसे टेक्निक याद करो, 5 का पावर 7 है तो ये 7 आ गया, ये जो नीचे आया ना ये यहाँ पे आएगा, ऐसा करके एक रूल होता है। ठीक है, चलिए ये सल्स में कर्निंग है, जो रूट में रहता है ना उसको कर्निंग बोलते हैं, सिंपल याद करते हैं कर्निंग है। ठीक है, कर्निंग सल्स सल्स ऐसी वार डी एस सल्स सल्स यानी कि कर्निंग कॉरोनिंग कर्निंग। ठीक है, अच्छा ये चीज यहीं पे हुआ, यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 है ये ऊपर में दे देंगे और ये क्या दे देंगे नीचे में, फिर 2/1/3 हो गया। अब वही चीज देखिए, ये 2 है तो 2 या नीचे में 3 है इसको यहाँ पे दे देंगे और 1, तो 2 का पावर 1 तो 2 है ना, तो इसको देखो वापस से आ गया ना, ये मेरे कहने का मतलब हुआ। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये हुआ, वापस ये चीज यहाँ पे आ गया इसलिए मैं गया, यानी कि सांप भी मर गया लाठी में डटा। तो मैथमेटिक्स का रूल होता है कुछ भी करे फर्क ना पड़े, मैथमेटिक्स का रूल होता है कुछ भी करे फर्क ना पड़े, इसको तोड़ के ही आ गया। यहाँ पर भी सेम चीज, ये देखिए आप ये 2 नहीं भी दोगे तो चलेगा, कुछ नहीं है तो 2 ही है, टेंशन नहीं लेना है, कुछ नहीं है तो 2 ही है। देखिए 3 × 2 = 6 तो 2 है, तो बोलेंगे सर 2 कहाँ है, तो यहाँ पे छुपा हुआ है, यहाँ पे 2 छुपा हुआ है। ठीक है, तो दीजिएगा फिर भी ठीक है, आप ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे सेम प्रोसेस वही है, देखिए 5, ठीक है ये 3 तो 3 ऊपर और ये 6 नीचे, कौन सा रूल के अकॉर्डिंग हुआ, ये रूल के अकॉर्डिंग हुआ, 1 का पावर m और 1 का पावर n, तो ये रूल के अकॉर्डिंग हुआ। ये रूल क्या करती है, ऐसे करते ये चीज यहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे 3 का 3 × 3 = 6 तो 5 का पावर 1/2 तो हो गया। फिर यहाँ पे रूट में ये वाला जो यहाँ पे रहता है ये 5 यहाँ जाता है, नीचे वाला यहाँ गया और 1 यहाँ पे आ गया, इसको मैं ऐसे करके तोड़ सकता हूँ, ये कोई दिक्कत नहीं है, पावर 5 का पावर 1 = 5 हो गया, तो इस तरीका से हो गया, क्या तो कोई दिक्कत। अब देखिए मेन जो मेरा मुद्दा है वो खत्म हो गया, मेरा क्या था कि इसको और इसको मैं सेम करना। ठीक है, देखिए यहाँ भी 6 या यहाँ भी 6, एक बार और बता देते हैं। फर्स्ट स्टेप 3 सवाल करना है, सिंपलीफाई सरल करें, 3 और 2 का एलसीएम करेंगे, एलसीएम ऑफ 3 और 6, 3 और 2 और हिंदी मीडियम से है तो 3 और 2 का लॉस करने पर लॉस करती है। अब इसको मैं यहाँ पे उतारेंगे, इसको फिर इसके नीचे में, फिर और आता फिर उसके नीचे में, ऐसे करके नीचे में। ठीक है, फिर इसको मैंने उतार दिया, फिर बराबर में जो एलसीएम करने पर जो आया ना वो मैं यहाँ पर इस जगह पर मैं ऐसे करके लिख दूंगा, फिर इसको मैं उतार लूंगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ नहीं है, यहाँ पर मैं क्या दूंगा कि ये आ जाएगा, मैंने 2 लिख दिया और यहाँ पे 6 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे ये खा लिया x, यहाँ पर मैं क्या दूंगा कि इसको काटूंगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा, तो 2 × 3 = 6 आएगा, तो थोड़ा सा दिमाग में लगाना है, तो 2 आएगा, क्लियर, तो 2 × 3 = 6 तो ये आ गया। इसको कैसे तोड़ के ये आएगा वो भी मैं बता चुका हूँ, फिर भी अगर कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर हमको नहीं समझ में आया, मैं दोबारा बना दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। फिर यहाँ पर ये देखिए मैं यहाँ पे क्या रखूंगा कि ये 2 आ जाएगा, नहीं भी कुछ रहेगा तो 2 आएगा, तो 3 × 2 तब ना हो गया 3 × 2 = 6, इस टाइप का हुआ यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए अपने तो एक काम भी कर सकते हैं, इसको एक और टेक्निक से है, हमें नहीं पता है कि यहाँ पे क्या होगा, तो 6 में 3 से आप डिवाइड भी दे सकते हो, यानी कि 3 × 6 को डिवाइड भी दे सकते हो, तो 3 × 6 को तो 3 × 2 = 6 तो 2 आया, फिर देखिए 2 और 6 तो 2 × 3 = 6 तो 3 भी दे सकते हैं, ये भी है एगो टेक्निक। अगर मान लीजिए समझाने के लिए ऐसा है नहीं, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 21 रहता, यहाँ पे 7 रहता, तो 7 और 21 है, तो 7 × 21 है। अगर यहाँ पे मान लीजिए वो बात करते 5 है, यहाँ पे 25 है, तो 25 तो यहाँ पे 5 आता, तो यानी कि मेरे मार्कर पर ध्यान दीजिए, पहले तो इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए। ठीक है, तो इसको इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, 2
तिया छ, तो दो में छ से डिवाइड करेंगे ऐसे, अच्छा फिर तीन में छह से डिवाइड करेंगे, तीन में छह से डिवाइड करेंगे तो दो आया, तो यहाँ पे दो दे देंगे, क्लियर। अच्छा हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा नाउ इसको अच्छा से कर देता हूँ, थ्री आई यहाँ पे हिंदी मीडियम से लिखे जाते हैं, हिंदी मीडियम से लिखे, अब इसका ये लिख देना है, अब इसको तोड़ भी सकते हो आगे में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, छह तो दो देना चार, कोई दिक्कत नहीं है, तब आप ये लिखिए, तो यहां भी तोड़ सकते हो, यहीं से मैं चोरी कर लूंगा, चोरी मतलब कॉपी कर लूंगा, ठीक है, यानी कि चार और ये छ, ठीक है। फिर आगे इंटू है तो इंटू है, फिर इसको भी तोड़ लीजिए, टेंशन नहीं है, अब मैं नहीं तोड़ूंगा तो फिर तो यहां पर भी तोड़े पड़ेगा, मैं यही तोड़ूंगा, पांच सौ तीन बार लिखेंगे, पच्चीस पच्चीस पे एक सौ पच्चीस, तो एक सौ पच्चीस आया, या सुनो फिर ये सिक्स यहाँ पे दे देंगे, ठीक है, तो एक सौ पच्चीस आया, तो यहाँ पे क्या दे दूंगा एक सौ पच्चीस। अच्छे देखिए अब एक जैसा आ गया ना, देखिए ये और ये अलग अलग था, ये अलग अलग था, अब देखिए एक जैसा, सर एक जैसा का है तो वो नहीं देखना, ये चार है ये एक सौ पच्चीस, वो एक जैसा नहीं, इसकी बात मैंने किया, ठीक है, ये जो यहाँ पे दिया है ना रूट में, इसकी बात मैंने किया, ठीक है, ये अलग अलग हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोनों जैसा, एक बात बताइए, एक बात बताइए, पांच है और ये मान लीजिए सात है, ठीक है, तो यहाँ पे दो है छुपा हुआ, यहाँ पे दो छुपा हुआ है, तो ये जो ऐसे करके है तो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा नहीं सकता हूँ, अब पांच इंटू सात नहीं कर सकता हूँ, तो रूट अंडा पैंतीस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक एक टाइप का है ना, कर सकता हूँ ना, लाइक जैसा लग रहा है देखने में, कोई दिक्कत, फिर देखिए अगर मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, ऐसा है रूट अंडा मान लीजिए सात है और तीन है, फिर यहाँ पे दो है, फिर यहाँ पे तीन है, तो मैं इसको ऐसे करके बढ़ा के सात गुणे दो नहीं कर सकता हूँ, चौदह हो गया, तीन में तीन लिखना जरूरी है, ऐसे कर सकता हूँ, हो या ना, तो सेम टू सेम यहाँ भी वही नहीं कर सकते हैं, यहाँ कोई नहीं कर सकते हैं, ये भी रूट है, ये भी रूट सिक्स है, बड़ा वाला कर देंगे, ये छह लिख देंगे, ठीक है, इन्हें की छह छह बारह कर देगा, करोड़ों रहेगा तो एगो रहेगा, ठीक है, एक सौ पच्चीस को चार से गुना कीजिए, चलिए कीजिए, नहीं तो नहीं तो रुकिए, ऐसे कर दीजिए, एक सौ पच्चीस गुने मतलब चार गुना एक सौ पच्चीस, ठीक है, फिर ऐसे कर दीजिए, छह कर दीजिए, दोनों को गुना कर दीजिए, एक सौ पच्चीस को चार से पंचों का बीस, चार दोनों आठ दो दस, चार का चार पाँच, पाँच सौ हो गया, पाँच सौ, तो यहाँ पे पाँच सौ, अच्छा से लिख देता हूँ, पांच सौ है, पांच सौ छः, अभी नहीं कि यहां से हटा देना, बोलना कुछ नहीं, तो छः है, केवल दो में लागू होता है ये, ठीक है, छः में छः लिखना पड़ेगा, तीन में तीन लिखना पड़ेगा, केवल दो ही है जिसमें छूट है, आप लिखो फिर भी ठीक है, नहीं लिखो फिर भी ठीक है, एक ही बात है, मतलब नहीं लिखो फिर भी ठीक है, लिखो फिर भी ठीक है, हो गया, दिस इज आवर आंसर, हो गया, तो ये क्या बिगड़ा, पंद्रह मिनट के आसपास का, ठीक है, वीडियो होगा, पंद्रह बीस मिनट के आसपास का वीडियो होगा, ज्यादा ज्यादा आधे घंटा का हो गया, तो क्या हो गया, अब लाइव तो बना ना, इस सब टाइप का जिंदगी में कभी नहीं सवाल भूलिएगा, ठीक है, अथवा तो लेंथी वीडियो हो गया तो क्या हो गया, कोई दिक्कत, अच्छा अब यहाँ पे देखो, अब स्किप भी कर सकते हो लेन को, लेन को आप स्किप भी कर सकते हो, देखो ये लेन को छोड़ दो, डायरेक्ट टेंशन नहीं है, रूट सिक्स, रूट सिक्स, तो रूट सिक्स फोर वन ट्वेंटी फाइव को मल्टीप्लाई किया,